नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट हैं यहाँ पर सभी के जारी कर दिए गए हैं और अब विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जो लैपटॉप है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि लैपटॉप किन किन वालों विद्यार्थियों को मिलने वाला है, कितने परसेंटेज चाहिए और अब की बार क्या लैपटॉप मिलेगा या फिर नहीं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको राजस्थान बोर्ड की रिगार्डिंग हर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राज्य के 65,100 मेधा विद्यार्थियों को 4 साल से नहीं हुआ लैपटॉप का वितरण, यानी कि पिछले 4 साल से किसी को भी लैपटॉप यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग अब की बार जो है वो 4 साल के साथ में मिलने वाले हैं, यानी कि 2019 के, 2020 के, फिर 21 के और 22 के, चारों साल के जो है लैपटॉप आपको एक साथ मिलेंगे। तो इसके यहाँ पर क्या बड़ी अपडेट दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि हर ज़िले में दोस्तों जो है लैपटॉप जो मिलते हैं वो 100 लैपटॉप दोस्तों प्रत्येक ज़िले में मिलते हैं। और जो लैपटॉप है वो जो नॉर्मल क्राइटेरिया जो रखा गया है वो ये रखा गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैपटॉप के लिए जो है आपको कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं में जो है 75%, यानी कि 75% से ऊपर आपके होंगे तभी आपको जो यहाँ पर लैपटॉप मिलने वाला है। अब दोस्तों इसकी जो भी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, यानी कि हर ज़िले में सिर्फ 100 विद्यार्थियों को मिलता है, ये भी दोस्तों मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर अब की बार में क्या गया है कि देखिएगा, योजना में भी कटौती की गई है और 2018-19 से अभी तक लैपटॉप नहीं मिला। देखो कटौती क्या की गई है कि 8वीं क्लास के जो लैपटॉप है ना, 8वीं क्लास वाले विद्यार्थी है उनको लैपटॉप जो है 2 साल के नहीं मिलने वाले, यानी कि 2020 के अंदर और 21 में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनको डायरेक्टली यानी प्रमोट कर दिया, इनका कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था इसलिए इनको प्रमोशन मिला, इसलिए इनको 2 साल के लैपटॉप नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दिखा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है कक्षा 8वीं वाले जो विद्यार्थी हैं 2019-20 और 20-21 में कोरोना के चलते 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के कारण अंकों में भी मेरिट का बनना संभव नहीं है, इसलिए उनको लैपटॉप नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर मान के चले तो आपको जो है लैपटॉप जो मिलेगा वो यहाँ पर सभी को लगभग जो है अब की बार यानी 8वीं के नहीं मिलेंगे, बाकी यहाँ पर लैपटॉप मिलने वाले हैं। अब कब मिलेंगे इसकी क्या सूचना, तो इसके बारे में डिस्कस करो। दोस्तों एक न्यूज़ आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 2018 के बाद नहीं मिले 65,000 विद्यार्थियों को लॉपर्स को लैपटॉप, 18,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग 65,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण नहीं किया गया है 2018 के बाद। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लैपटॉप के बारे में ये भी लिखा गया है कि योजना क्या, तो योजना मैंने बता दी है कि 75% आपके जो है बनने चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर, और अभी जो है सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि लैपटॉप वितरण को लेकर राज्य सरकार से जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी, यानी ये जो है माध्यमिक शिक्षा के जो है सलाहकार है B.R. सरवा। ठीक है, अभी इनका कहना है कि अभी तक कोई भी जो है निर्देश नहीं आए हैं, जैसे ही कोई डायरेक्शन आते हैं उनके अनुसार काम करने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर जो है लगभग जो है वो यानी 65,000 यानी जो है 65,000 जो है वो लैपटॉप अब की बार मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, इस बार आपको लैपटॉप वितरण किया जाएगा। ठीक है, और जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि लैपटॉप वितरण की योजना के बारे में हर अपडेट आपको जो है वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब दोस्तों जल्द ही सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, फिर इसकी प्रक्रिया भी जो है स्टार्ट हो जाएगी और आपको इसकी जो मेरिट लिस्ट है, जो सूची है, वो भी जल्द ही निकाल दी जाएगी और आपको लैपटॉप वितरित किया जाएगा। ठीक है, लगभग दोस्तों 20,000 का जो लैपटॉप यहाँ पर मिलता है, ठीक है, HP का लैपटॉप होता है। कौन सा लैपटॉप? HP का लैपटॉप जो आपको दिया जाता है। अगर आपके 8वीं बोर्ड में ए ग्रेड है तो आपको मिलने के चांस है, 10वीं में 80% तक बनेंगे तो आपको मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।